6 गेंद, जीत के लिए 6 रन और ये लगा सिक्सर। चेन्नई फिर चैंपियन बनने की ओर। ये कमाल, ये धमाल अगर कोई टीम कर सकती थी तो वो धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ही है, जो 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। 140 रन का छोटा लक्ष्य तब मुश्किल लगने लगा जब चेन्नई के सभी बड़े बल्लेबाज फेल हो गए। वॉटसन, रैना, राइडू, धोनी, ब्रावो, जाडेजा। 62 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन डुप्लेसी अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जमे रहे। 17वें ओवर तक मैच हैदराबाद के पाले में था और फिर 18वें ओवर में डुप्लेसी ने हैदराबाद को दंग कर दिया। इस वक्त चेन्नई को 18 गेंद पर 43 रन चाहिए थे। विलियमसन ने कार्लोस ब्रेथवेट को गेंदबाजी सौंपी। इस ओवर में कुल 20 रन बने। 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने डुप्लेसी का जबरदस्त साथ निभाया और 3 चौके लगाकर मैच का रोमांच दोगुना कर दिया। इस ओवर में 17 रन बने। आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे और फिर डुप्लेसी ने धोनी के अंदाज में मैच खत्म किया। डुप्लेसी ने 42 गेंद पर नाबाद 62 रन की मैच विनिंग पारी खेली। वहीं शार्दुल ने 5 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। चेन्नई ने 2 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया और साथ ही फाइनल में अपनी सीट भी पक्की कर ली।